अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राज की बात राज ही रहने दी, किसी को नहीं बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस राज को अब राज कैसे रखते हैं। नमस्ते राय बहादुर जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन सोच लीजिए, अगर हम इस घर से गए ना तो आपकी जो इज्जत आबरू है ना, वो भी इस घर से टाटा बाय बाय हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जरा ई वीडियो देख लीजिए। क्या है इसमें? अरे आप ही देख लीजिए मैडम जी, ये राय बहादुर का बड़ा बेटा है। क्या है? मुझे माफ कर दो माए भाई, मधुसूदन जिंदा है? मधुसूदन अगर जिंदा है तो कहाँ है? बताओ ये कहाँ है माया? अरे बताते हैं, बताते, इतनी जल्दी कहाँ है? हमने मधुसूदन को ना बहुत सुरक्षित जगह पे रखा है। आप जानते हैं उस दिन जब हम सुमन को चक्कू मारकर भागे थे तो मुजफ्फरपुर के कोठे पे एक खजाना हमारा इंतजार कर रहा था, और जब हमें ये पता चला कि मधुसूदन भागलपुर के बड़े सेठ राय बहादुर जी का बड़ा बेटा है, वाह 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 वाह, हम तो बहुत चक्के हो गए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जैसा आज आप हो रहे हैं। हम तो वही है ना जो हिट एंड रन और पता नहीं और कितने केसों में पुलिस की नजरों में वांटेड था। हाँ, और ये परिवार और पुलिस के लिए स्वर्गवासी हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, है ना? लेकिन गलत है ना? सुमन, 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 सुबह सुबह कहाँ चली गई? कितना अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद बिना किसी कलेश, बिना किसी तमाशा के सब साथ मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। जय हो किशन कन्हैया जी की, जय हो। इसीलिए तो दीदी, आज सुबह सवेरे नहा धोकर हमने आरती ने मिलकर सबका मनपसंद नाश्ता बनाया है, और बाऊजी आज तो खीर भी बनाई है। अच्छा हुआ आप नीचे आ गए, मुझे आपसे और सुमन से दिल से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगनी थी। माया भाई का असली चेहरा सामने आने के बाद मैंने रियलाइज किया भाई कि मैंने सुमन के साथ कितना बुरा किया, कितना भला बुरा कहा। रियली सॉरी भाई, आप अपने बहन को माफ नहीं करोगे? नंदनी, जो बीत गई सो बात गई, तुम और सुमन सेफ हो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सुमन से भी बात करनी थी, वो कहाँ है दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो लगा वो सबके साथ यहाँ नीचे हो गई, मैं खुद उसे ढूंढते ढूंढते नीचे आया। माँ, आपने सुमन को देखा क्या? नहीं बेटी, रात से तो हमने भी उसे नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। फोन भी नहीं उठा रही है, इतना काम बिजी है। माँ, मैं सुमन को अनाथ आश्रम देख कर आता हूँ, हो सकता है रिंकी को वहां छोड़ने गई हो। हाँ बेटा, जल्दी आना। पर हमें माफ कर दीजिए अंशुमन जी, हम आपको बिना बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम आपको बताते तो आप भी हमारे साथ आने की जिद करते।
इसलिए हमें अकेले जाना पड़ रहा है। ये जो माया का झूठ है, इसे हमें ही जड़ से खत्म करना होगा। उसके बाद हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। अनाथ आश्रम में भी चेक कर लिए, वहां भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही। सुमन है कहाँ? मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। वो हमें 2002 के न्यूज़पेपर के कुछ कॉपीज चाहिए थे। पूरे साल के कॉपीज चाहिए? पूरे साल की तो नहीं, जून नहीं, जुलाई, जुलाई 2002 जब श्रावणी मेला लगा था ना, तो वहाँ पे एक घटना घटी थी, उसी घटना के बारे में पता करना है हमें। टाइम लगेगा मैम, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते? मैम, हमारे पास इतना समय नहीं है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज हमारी बात समझिए। मैडम, अगले हफ्ते प्लीज। बहुत बड़ा कोर्ट केस है, पूरी फैमिली की खुशियां और उनकी शांति का सवाल है। अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया ना, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं, आप बस हमें उस रूम तक पहुंचा दीजिए जहां न्यूज पेपर रखे, फिर हम खुद ढूंढ लेंगे। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लीज। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जय, मैडम को 2 नंबर रूम में लेके जाओ और 2002 की जो भी न्यूज़पेपर की कॉपीज हैं, इन मैडम को दिखा दो और तुम वहीं रहना, ठीक है? जाइए मैडम। थैंक यू सो मच। ओके। भैया, यही है जुलाई 2002 के न्यूज़पेपर्स। इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी ना? जी मैडम। थैंक यू। श्रावणी मेले के बारे में छपा हुआ है। शायद जो खबर हम ढूंढ रहे हैं वो इस अखबार में मिल जाएगा। नाना जी ने हमें बताया था माँ बाबा का एक्सीडेंट इस मेले वाले दिन ही हुआ था। ये माता रानी जो माया ने कहा है बस वो झूठ, हमें गलत करते ना प्लीज। पुलिस जिस केस को हिट एंड रन का रंग देना चाहती है, चश्मदीद उसे जानबूझकर कुचलना बता रहे। उनका मानना है कि ड्राइवर ने अगर कार रोक दी थी तो दंपति जान